हेलो भाई लोग, की हाल चाल? दिस इज यश ठाकुर हियर। तो आज हम कहीं अच्छी जगह पे जाने वाले हैं। मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाऊंगा, कुछ अपने फ्रेंड से मिलवाऊंगा। तो आज हम पिकनिक टाइप की लोकेशन पे जाने वाले हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा। और मास्क पहनना बिल्कुल ज़रूरी है भाई, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोरोना वायरस चल रहा है, आइए लेट्स। तो आ गए हैं सयुज भाई के पास, निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। हेलो भाई, देख रहे हो आप फैशन, देख रहे हो भाई का, कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं नहीं, मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। मैं जहाँ पे ब्लॉग स्टार्ट होने वाला वहाँ बोलूंगा। ओहो, ब्लॉग स्टार्ट होने वाला है, तब बोलेंगे अपने भाई। आइए चलते हैं, अपन अपनी पिकनिक की बिगिन करते हैं। तो जैसे कि हम निकल चुके हैं अपने टूर पे, सयुज अपना सामान ले रहा है पिकनिक का, खाने पीने का। तो ये सुपरमार्ट में आए हैं, सयुज अपना सामान लेने गया है भाई अपना। तो थोड़ी देर में आपको मिलते हैं हम अपनी लोकेशन पे, अपनी फेवरेट पिकनिक की प्लेस। तो थोड़ी देर में मैं आपको फिर से मिलूँगा। गर्मी बहुत हो रही है, धूप बहुत पड़ रही है जबलपुर में, देखो ना कितना पसीना आ रहा, स्वेटिंग हो रही है बहुत। तो आपको मिलते हैं थोड़ी देर में हम। बाय बाय। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. तो फाइनली हम आ चुके हैं अपनी लोकेशन में, कक्कड़ वर्ता वाली। ये अपने संचित भैया, ये अपना सौरभ भाई, बोलना चलोगे? हाँ भैया बिल्कुल। आज कक्कड़ वर्ता की पिकनिक हम लोगों ने नर्मदा तट पर सभी मित्रगण साथ रखी है, और यहाँ सब तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं और हम लोग वीडियो बनाने में लगे हैं। आग जल चुकी है, भाई लोग काम कर रहे हैं। भाई लोग के पास चलते हैं, भाई लोग के पास चलते हैं। एक बार हाय कर दो सब। देखो सब ब्लॉग में देखो, भट्टा। ये पिकनिक की तैयारी चल रही है हमारे गक्कड़ वर्ता की। आगे मिलते हैं, सॉरी। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे है घुघरा घाट। हम लोग आए घुघरा घाट में पिकनिक मनाने। तो देखिए कितना अच्छा व्यू है, मैं आपको इसके बाद आप व्यू दिखाऊंगा, इसकी स्लोमो क्लिप दिखाऊंगा। बहुत अच्छा व्यू है, हर जगह पेड़ ही पेड़ हैं। भाई लोग लगे हैं बर्तन बनाने में, मैं लकड़ी इकट्ठा कर रहा हूँ। तो बस देखिए यहाँ कितना अच्छा व्यू है, पीछे पूरा व्यू, पूरे पेड़ पेड़ हैं और लाइन से पानी बहते आ रहा है। पानी अभी कुछ दिन पहले बहुत भरा था, क्योंकि दो दिन लगातार 38 घंटे बरसात हुई थी जबलपुर में। तो गर्मी तो बहुत लग रही है, थकान भी हो रही है, साथ ही साथ बहुत पानी भरा था, ऊपर तक भरा था, अभी तो बहुत कम हो गया पानी। तो आइए आपको मैं दिखाता हूँ इसकी क्लिप स्लोमो। तो मैं वापिस जा रहा हूँ भाई लोग के पास, मेरे को अभी बोलने लगेंगे कि कुछ काम नहीं कर रहा। तो मैं अभी जा रहा हूँ, उन लोग हैं उस साइड, उन लोग वहाँ से आवाज़ आ रही है उनकी। तो वो है लोकेशन, यहाँ मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, देख सकते पीछे कितनी सारी सीढ़ी हैं। मैं आया था नीचे थोड़ी सी क्लिप लेने, थकान हो रही है ऑफकोर्स होगी सीढ़ी चढ़ने में, प्लस इतनी धूप है। तो मैं उनके पास जा रहा हूँ वापस, मेरे को कुछ बोले ना, तो इसलिए आइए मिलते थोड़ी देर में, लेट्स गो। Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling
exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step, still hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all, standing tall. Fear outweighed the person you are. Oh. तो फाइनली बन चुका हमारा कक्कड़ भरता। और ये देखिए हमारे भाई लोग, भाई लोग हाय, चल भाई। तो फाइनली बस निकलने वाले थोड़ी देर में, खाना पीना सबका हो गया है। ये अपने बाबा बैठे हैं, बाबा ये देखो, ये अपने बाबा जी यहाँ के, ये अपने इंस्टा लाइव चल रहा है इनका, सौरभ पटेल, ये देख लो। ये बाबा जी भी हाथ उठा रहे हैं। और भाई लोग इधर देखो, कुछ बोलोगे व्लॉग में? अमन ये कुछ बोल दो। ये है संचित भैया, सनी की माँ का चू। तो भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं दूसरे रूट को जा रहा हूँ, तो ये अम्मा बैठी यहाँ पीछे हमारे, अम्मा बैठी है। अम्मा ने हमसे लिफ्ट मांगी, तो हमने एक कर्तव्य हमारा, कोई भी बुजुर्गान में दिखता है तो प्लीज उसकी हेल्प कीजिए, उसको कैसी मजबूरी, उसको कहाँ जाना है। तो मैं वही अम्मा को अभी छोड़ने आ रहा हूँ, यहीं पे है उनका घर, तो वहीं पे मैं छोड़ने आ रहा हूँ, आप मिलता हूँ थोड़ी देर में। अम्मा को हमने छोड़ दिया है, अम्मा कुछ बोल दो। हम आ गए, आ गए, आ गए, अम्मा को छोड़ दिए हैं। ठीक है, अम्मा मिलते हैं, ठीक है, ठीक है। भाई लोग आप अपनी मदद करिए, बुजुर्ग की मदद करना सीखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है। उनको क्या कौन सी तकलीफ है, कौन सी मजबूरी है, क्या कहाँ जाना है। चलो फिर ठीक है, मिलते हैं बाद में। सो गाइस, हम लोग फाइनली घर आ चुके हैं। जैसे कि आपने देखा, यस अपना ब्लॉग चला रहा था, तो वो अभी किसी का अर्जेंट कॉल आ गया, तो वो उसमें लगा हुआ है। तो जैसे कि आपने देखा कि उसने घुघरा फॉल का ब्लॉग बनाया हुआ है, जिससे उसने मुझे बताया कि मैं घुघरा फॉल का ब्लॉग बनाने आ जाऊँगा, तो साथ में तुझे भी चलना है। उसमें हम लोगों ने पिकनिक भी साथ में इंजॉय किया, सारे फ्रेंड्स गए थे साथ में मिलकर, हम लोगों ने इंजॉय किया, घुघरा फॉल्स के सारे व्यूज आपको दिखाए। और जब भी आपकी इच्छा होती है, आप कहीं से भी आकर ये वीडियो देख रहे हैं, और जब भी आप अगर जबलपुर कभी आते हैं, जबलपुर एमपी अगर कभी आते हैं, तो आप हमको इंस्टाग्राम पे हम लोग की अपनी लिंक दे देंगे, आप वहाँ पे फॉलो करिएगा और हमें डीएम कीजिएगा, हमसे हमारा नंबर ले लीजिएगा, हमें कॉल करिएगा, हम आपको वहाँ पे घुमाने ले जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे व्यूज़ हैं जो क्या बोलते हैं जबलपुर में है, जो अभी हम आपको आने वाले ब्लॉग्स में दिखाएंगे, फिर आप उसमें आके हम लोग से मिलिएगा, हम लोग वो व्यूज़ भी आपको दिखा देंगे। जैसे कि यस आ गया है, तो यस ने स्टार्ट किया था अपना ब्लॉग, तो एंड भी यही करेगा, क्योंकि मैं तो इसका सपोर्ट में खड़ा हूँ, मैं एंड करने वाला कुछ बोल देखो भाई, हो सकता है ये बोल देखो भाई कि तू क्यों बीच में बोल रहा है, तो आप समझ रहे हो ना बात, तो भाई आप एंड करेंगे इसको ना। भाई लोग एक चीज, ब्लॉग अभी जिसने चालू किया वही एंड करेगा, क्योंकि यही है पार्ट है एंड करने का। तो मैं आपको एक फाइनली एक बात और बताना चाहूंगा, थोड़ा सा मतलब एक मैटर मैंने ये देखा है कि जैसा कि ये वहां खड़ा है, मैंने अभी देखा हम लोग रास्ते से जब आ रहे थे, तो वहां पे मतलब बहुत ओल्ड एज अम्मा थी जो जा रही थी वहां पे, उन्होंने हाथ दिया, बहुत सारी गाड़ियों को रोक रहे थे, मैंने सडनली इसको रुकवाया वहां पे, तो मैंने देखा इसने आते समय वहाँ पे गौर नहीं किया था कि वो हाथ दे रहे हैं, तो इसने हाथ दिया वहाँ पे। हम लोगों ने जाके देखा, उन अम्मा से पूछा कि क्या हो गया, तो उनको थोड़ा दूर तक जाना था, जहाँ पे ना अभी आपको लॉकडाउन की वजह से, ये सब कोरोना की वजह से अभी वो ऑटो वगैरह चल नहीं रहे, तो हम लोग को लगा कि ये थोड़ा इनसिक्योर काम हो सकता है, तो हम लोगों ने वहाँ पे उनको छोड़ा जाकर और उनकी हेल्प करी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कभी भी आपको कोई बेसहारा या ऐसा कोई इंसान मिलता है जो चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, तो आप उसको जाके हेल्प करिएगा, है ना। ये मत सोचिए कि आपके मतलब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए मैं मानता हूँ कि ज़माना बेकार है, थोड़ा सा बेकार है,
टाइम अभी थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, मगर आप थोड़ा अपने एफर्ट्स भी लगा सकते हैं उसको, अच्छे से उस काम को कर सकते हैं और आपको करके ये बहुत अच्छा लगेगा। जैसे हम लोग को बहुत अच्छा फील हुआ, हम लोगों ने उनको हेल्प किया, उनको जहाँ तक जाना था उनके डेस्टिनेशन को छोड़ के आए। तो आप लोग इनकी सबकी हेल्प कर दीजिए, कीप सपोर्ट अस, ओके। अब लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा कि इसके चैनल को लाइक करो, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अच्छे अच्छे कमेंट करो, और आपको कोई चीज अगर इसमें कमी लगती है तो आप हमें बताओ, कमेंट के थ्रू हमको बता सकते हैं। चलिए ठीक है, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम लोग का एक और चैनल है जिसकी लिंक हम लोग इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ पे भी हमारे म्यूजिक वीडियो होते हैं, आप वो भी देख सकते हैं, और आप अपनी तरफ से भी बता सकते हैं कि हम लोग को कैसी वीडियोस बनाना चाहिए। और इंस्टाग्राम आपको यहाँ लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम की हम दोनों की मिल जाएगी फोटो, तो आप हमको वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। आपको अगर कुछ भी हेल्प चाहिए जबलपुर में आके, तो उसमें इंस्टाग्राम में आप डीएम कीजिए आके, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मैं भी बोल दे रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं, तेरे बोलने से मान जाएगा, मेरा ब्लॉग है तो तू बोलेगा, ठीक है ना, मैं बोल दे रहा। नहीं भाई लोग मुझे भी सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करिए। बनाता नहीं हूँ, हम लोग का एक ग्रुप है, वो मतलब म्यूजिक वीडियोस बनाता है, जिसमें यश भी रहता है, यश का मेन काम रहता है, ये हम लोग को कोरियोग्राफ करता है, हम लोग को वीडियो शूट सब कुछ सिखाता है। इसके क्या है कि इसको कला बहुत अच्छी आती है ना, तो ये अपने एटीट्यूड में रहता है, हम लोग को मतलब आसपास भटकने नहीं देता, बोलता है तुम लोग से नहीं बनता। तो चल चलिए गाइस, आप हमें सपोर्ट कीजिएगा। लास्ट में एक बार मैं फिर से बोलना चाहूंगा, आप फिर से अगर कोई आदमी आपको मिलता है, कोई बेसहारा आदमी मिलता है, तो आप उसकी हेल्प दे दीजिए। ओके बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।